हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे ये बेसन के गट्टे की सब्जी, जो एक राजस्थानी डिश है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। इसके लिए मैंने लिया है ये एक कटोरी बेसन। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी और थोड़ी सी अजवाइन ऐड करूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे घी और एक चुटकी डालेंगे हम इसमें सोडा, खाने वाला सोडा, जिससे कि हमारे गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, एकदम से फ्लफी बनेंगे। और इसको मैं पानी की सहायता से गूंद लूँगी। इसमें मैंने हल्का गर्म पानी लिया है, इसकी सहायता से मैं इसका एक टाइट डो बनाऊँगी। सो व्यूअर्स, मैंने बेसन का आटा गूंद लिया और उसकी इस तरह की गोल लोइयां बना ली हैं, गोल इसको लंबा रोल कर लिया है। और मैंने एक फ्राई पैन में पानी गर्म करने के लिए रखा है। इस पानी में मैं इनको पकाऊंगी, नॉर्मल पानी है और कुछ नहीं डाला है इसमें। इसमें हम इनको बॉईल करेंगे। इसको बॉईल होने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। जब तक ये फूल कर अपने आप ऊपर नहीं आ जाते तब तक हम इनको बॉईल करेंगे। सो व्यूअर्स, हमारे गट्टे के रोल पकने शुरू हो गए हैं, ये फ्लोट होने शुरू हो गए हैं। हम इनको 5 मिनट और पकाएंगे, तब तक मैं इसका मसाला बना लेती हूँ, ग्रेवी वाला मसाला। उसके लिए मैंने लिया है एक टमाटर, एक प्याज और 8-10 लहसुन की कलियाँ हैं, थोड़ा सा अदरक है और हरी मिर्च। इन सबको मैं एक साथ पीस लूँगी। सो व्यूअर्स, हमारे गट्टे पक चुके हैं, मैंने इनको बाहर निकाल लिया है। अब ये गीले लग रहे हैं, थोड़ा सा ये ठंडे होंगे तो एकदम ड्राई हो जाएंगे। हम इनका पानी फेंकेंगे नहीं, इसी पानी की हम ग्रेवी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं ये गट्टे दो तरीके से बनाऊंगी, एक तो प्याज लहसुन वाले बनाऊंगी और एक जो ट्रेडिशनली बनते हैं राजस्थान में उस तरह के बनाऊंगी, उसमें कोई प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। तो चलिए बनाते हैं। इनकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है, इसमें थोड़ा ज़्यादा तेल है। इसमें मैं प्याज लहसुन वाले गट्टे बनाऊंगी और ये छोटी कढ़ाई में मैंने थोड़ा कम तेल लिया है, इसमें मैं ट्रेडिशनल राजस्थान वाले गट्टे बनाऊंगी। सबसे पहले हम अपने ये गट्टे, हमारे ड्राई हो चुके हैं, सूख गए हैं, इनको हम इस तरह से कट कर लेंगे। एकदम सॉफ्ट ब्रेड जैसे बन गए हैं ये अंदर से। सबसे पहले हम इस तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, ये सरसों का तेल है, जिससे कि इसका धुआं निकल जाए। ये सरसों का तेल या देसी घी में ही अच्छे लगते हैं। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी और ये अपना प्याज लहसुन वाला मिक्सचर डाल दूंगी और इसको अच्छे से भून लेंगे। जब तक हमारी ये ग्रेवी पक रही है, हम दूसरे वाले जो बिना प्याज लहसुन के गट्टे हैं वो तैयार कर लेते हैं। इसमें जो मैंने ऑयल डाला था वो भी गर्म हो चुका है, इसमें भी हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। ये बिना प्याज लहसुन वाले गट्टे एकदम से क्विक बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अदरक का पेस्ट है ये, और हरी मिर्च के टुकड़े हैं, इनको डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसमें मैं अपने गट्टे ऐड कर दूंगी। और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि हमारे ये गट्टे थोड़े से इसमें तेल में भी पक जाएं, इनके अंदर तक मसाला चला जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च, ये बहुत ही क्विक बनती है। और नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और साथ में ही ये मैंने फैटी हुई कर्ड है, इसको मैंने फैट लिया है, कर्ड को ऐड करेंगे। इसमें 2 चम्मच कर्ड डालने हैं
और इसको चलाते रहेंगे जिससे कि ये फटे ना। जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता तब तक हमने इसको चलाना है। इसमें बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा गट्टे वाला पानी डालेंगे, जिसमें हमने इस गट्टे को उबाला था वो पानी ऐड करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। तब तक हम अपनी दूसरी वाली ग्रेवी चेक कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, हमारा दूसरा वाला मसाला भी, प्याज लहसुन भी अच्छे से भुन गया है, इसने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें मैं सूखे मसाले ऐड करूँगी। बस इसमें प्याज लहसुन अलग है और टमाटर, और सब सेम ही है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा धनिया और गरम मसाले का पाउडर डालेंगे और नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसको हम मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। और साथ में ही इसमें हम कसूरी मेथी भी भून लेंगे। भुनी हुई कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, अब मैं इसमें कर्ड डाल दूंगी। इसमें कर्ड कॉमन है। कर्ड का टेस्ट इस बेसन के गट्टे को बहुत ही बेहतरीन बनाता है, और इसको भी हम बॉईल आने तक चलाते रहेंगे। इसमें बॉईल आ गया है, अब मैं इसमें अपना गट्टे वाला पानी डाल दूंगी और इसमें भी हम बॉईल आने देंगे। जब ये उबलने लग जाएगा फिर हम इसमें अपने गट्टे ऐड कर देंगे। इसमें बॉईल आ गया है, अब मैं इसमें अपने गट्टे ऐड करूंगी और इनको बॉईल आने तक पकाएंगे 2 मिनट के लिए। बॉईल आने के बाद में 2 मिनट और पकाएंगे और फिर मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स, हमारी 2 तरह के गट्टे की सब्जी तैयार हो गई है। कौन से खाना पसंद करेंगे आप? ये हमारी प्याज लहसुन की ग्रेवी वाली सब्जी है, और ये बिना प्याज लहसुन के बनाई है जो ट्रेडिशनल तरीके से बनती है। सो व्यूअर्स, ये मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए और ये टेस्टी गट्टे बनाइए और एंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसे बने हैं। तो मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।